Hi mommies and daddies, welcome back to MomCom India. अगर आप एक न्यू मॉम हो जो बेबी को फीडिंग करा रहे हैं और नोटिस कर रहे हो कि आपके ब्रेस्ट से मिल्क लीक होता है, या आप बेबी को ब्रेस्ट से वीन ऑफ कर रहे हो और नोटिस करते हो कि आपके ब्रेस्ट से लीकेज होती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट अगर ये सिनेरियो नहीं है और आपके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा है, देन डेफिनेटली आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू मॉम्स ऐसा क्यों एक्सपीरियंस करती हैं, क्यों उनका ब्रेस्ट मिल्क लीक करता है और वो इसके लिए क्या कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क लीकेज होता क्यों है. देखिए, इसके फिजिकल ट्रिगर्स भी होते हैं और इमोशनल ट्रिगर्स भी होते हैं. सबसे कॉमन इसका रीज़न होता है कि इनिशियली जब आप फीडिंग कराना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी ये समझने में लग जाती है कि डिमांड क्या है और सप्लाई कितना देना है. उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी प्रोड्यूस ज़्यादा कर रही होती है जबकि बच्चा कंज्यूम कम कर रहा होता है. तो जब तक आपकी बॉडी इस फिनोमिना को समझ रही होती है, उस दौरान में आप नोटिस करते हो कि क्योंकि ज़्यादा मिल्क बन रहा है, बॉडी उसको बाहर निकाल रही है थ्रू अ नेचुरल फिनोमिना विच also called let down reflex या फिर breast milk leakage. अब ideally आप इसे देखें तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर body ज़्यादा milk बनाएगी और वो milk breast में ही रह जाएगा तो उससे क्या होगा कि breast heavy हो जाती है, breast में गांठें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से breast engorgement या mastitis जैसी problems women को face करनी पड़ती हैं जो बहुत painful होती हैं. और मैं नहीं चाहूँगी कि ये किसी को भी हो, doctors भी advise करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए ideally तो हमें अपनी body की तारीफ करनी चाहिए कि वो नेचुरली ही ये एक्सेस मिल्क निकाल रही है और हमें घबराना नहीं चाहिए. दूसरा रीजन ये होता है कि जब हम बच्चे को वीन ऑफ कर रहे होते हैं, मान लीजिए 6 महीने हो गए अब आप ऑफिस जा रहे हैं, या बच्चा 1.5-2 साल का हो गया, अब आपको लग रहा है कि अब उसे ब्रेस्ट मिल्क से आपको हटाना है, धीरे धीरे काउ मिल्क पिलाना है, तब क्या होता है कि आपकी बॉडी को एक फीडिंग रूटीन की आदत होती है. और अब जब धीरे धीरे आप बॉडी को बोल रहे हो कि दूध तो बन रहा है बट मैं दूध नहीं दूंगी, तो आपकी बॉडी को ये समझने में टाइम लगता है कि अब डिमांड खत्म हो रही है, और इस दौरान आपका मिल्क लीकेज होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाता है. और तीसरा रीज़न होता है इमोशनल ट्रिगर्स. जब हम अपने बच्चे से दूर होते हैं तो कई बार हम अपने बच्चे के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उसकी भूख या उसकी याद में, कि हमारी बॉडी में वो हार्मोन स्टिम्युलेट होते हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन पे लीड करते हैं और फिर दूध लीक करने लग जाता है. तो ये तो हमें समझ आ गया कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप सेटल हो जाता है. बट अब हमें ये समझना है कि इस दौरान हमें करना क्या है. देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको करना है कि आप एक फीडिंग रूटीन इस्टेब्लिश कीजिए. टिपिकली छोटे बच्चों को हर 2 से 3 घंटे में फीड कराने को बोला जाता है. एक डे का रूटीन होता है और एक नाइट का रूटीन होता है. जैसे जैसे टाइम बीतता है आप बच्चे के साथ ये रूटीन इस्टेब्लिश करते हैं तो बच्चा भी सेटल हो जाता है, उसका पेट भी उसी तरीके से भूख को एडजस्ट कर लेता है, और आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से मिल्क प्रोड्यूस करती है. तो सबसे पहले आप ये कीजिए ताकि आपकी बॉडी इस पैटर्न में सेट हो जाए. दूसरा, मान लीजिए कि अगर आपको लीकेज हो रही है और अभी तक आपके बच्चे के साथ आपका कोई फीडिंग पैटर्न नहीं बना है, तो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये देखना चाहिए कि क्या ये मिल्क आपके बच्चे के काम आ सकता है. यानी क्या उसकी भूख का टाइम हो गया है, क्या आपको लग रहा है कि अगर आप उसे ब्रेस्ट मिल्क ऑफर करेंगे तो अभी उसको भूख लगी है, वो इंटरेस्टेड होगा. अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले ये मिल्क उसको ऑफर कीजिए. ब्रेस्ट मिल्क को गोल्ड माना जाता है तो उसे वेस्ट मत होने दीजिए. तीसरी चीज मैं आपको ये कहूंगी कि कभी ये गलती मत कीजिए कि क्योंकि लीकेज हो रही है तो आप उस मिल्क को पंप कर लें या उसे हाथ से एक्सप्रेस कर लें. ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी को एक इंडिकेटर मिलेगा कि बॉडी ने मिल्क प्रोड्यूस किया और मिल्क कंज्यूम हो गया, यानी बच्चे ने लिया या नहीं बट मिल्क जो है वो यूज़ हो गया. तो आपकी बॉडी वैसे ही मिल्क बनाती रहेगी. आपको अपनी बॉडी को ये समझाना है कि ठीक है, मिल्क आपने इस बार प्रोड्यूस कर लिया बट मुझे इसको यूज़ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी उस एडजस्टमेंट को अडेप्ट कर लेगी. चौथा टिप जो मैंने खुद भी शुरू में एक्सपीरियंस किया है वो है ब्रेस्ट पैड्स यूज़ करना. मार्केट में 2 तरीके के ब्रेस्ट पैड मिलते हैं, एक डिस्पोजेबल होते हैं और एक वॉशेबल एंड रीयूजेबल ब्रेस्ट पैड होते हैं. ब्रेस्ट पैड आप कॉटन के ही लीजिए, मुझे याद नहीं है मैं कौन सा यूज़ करती थी इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं पा रही हूँ, बट आप अपने केमिस्ट पे या अपने डॉक्टर से भी चेक कर सकते हैं. तो वो ब्रेस्ट पैड आपको अपनी ब्रा के अंदर पहनना होता है, निप्पल के साथ लग जाता है, वो सर्कुलर ब्रेस्ट पैड होते हैं और वो जो भी लीकेज होती है उसको सोक कर लेते हैं. बस आपको ध्यान ये रखना है कि हाइजीन मेंटेन करना है, ब्रेस्ट पैड्स को चेंज कर लेना है जब भी आपको लगे कि वो गीले हो गए हैं. अगला टिप ये है कि अगर आप ब्रेस्ट पैड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो थोड़े डार्क कलर के कपड़े पहनिए और कॉटन के कपड़े पहनिए, ताकि जो स्टेन्स लग जाएंगे वो आपको एकदम से लाइमलाइट में ना ले आए.
और आखिरी टिप मैं आपको ये दूंगी कि जस्ट याद रखिए, ये एक फेज है। जैसे जैसे आपकी बॉडी डिमांड सप्लाई को समझ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी मिल्क प्रोडक्शन को एडजस्ट कर लेगी। मुझे काफी मॉम्स ये क्वेश्चंस पूछती हैं, इसीलिए मुझे लगा इस पे एक वीडियो कर देती हूँ ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बॉडी आपकी मदद कर रही है कि आपको एंगेजमेंट या मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम ना हो, और धीरे धीरे जैसे आप पैटर्न सेट करें बॉडी भी समझ जाए। रेड अलर्ट सिर्फ ये है कि अगर लीकेज के साथ आपको दिख रहा है कि ब्रेस्ट में दर्द हो रही है, ब्रेस्ट ब्लू टर्न हो रही है, या फिर साथ में खून आ रहा है, या स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, तब आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और हाँ, मेजॉरिटी मॉम्स का ये जो फेज होता है वो कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका ये फेज चलता ही जा रहा है, तब भी देयर इज नो हार्म इन डिस्कसिंग इट विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने बेटे के लिए मैंने शुरू से लेके अभी तक जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए, टॉयज यूज किए, बुक्स यूज किए, उन सब को मैंने मॉमकॉम इंडिया स्टोर फ्रंट पे डाला हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अमेजोन पे आप मॉमकॉम इंडिया स्टोर फ्रंट ओपन कीजिए और अपने मदरहुड को थोड़ा और आसान बना लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।